फाइनली गाइज, बहुत टाइम का वेट करने के बाद अब हमारी गाड़ी का नंबर आ गया है जी। जय शंकर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरा नाम है इंदर और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रॉम न्यू दिल्ली। अभी हम लोग हैं जी दिल्ली में और अभी आज हम लोग लोड कर रहे हैं जी लेह लद्दाख के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं कंपनी में लोडिंग के लिए। लास्ट व्लॉग में हमने ये सारे बत्ते पहले निकाले थे, फिर लगाए थे, अब अगेन निकालने हैं और फिर उसके बाद अगेन लगाने हैं। देखो गाइस, ये सब चीजें हम लोगों को करने पड़ती है गाड़ी लोड और अनलोड करने के बाद। जो है पहले कब ये बत्ते निकालने पड़ते हैं, जैसे अब ये बत्ते निकालेंगे तो उसके बाद शायद ऊपर से तिरपाल भी डालने पड़ सकता है, तो वो सब चीजें करते हैं। आज के ब्लॉग में आप लोगों को पहले तो लोडिंग दिखाएंगे अपनी गाड़ी की, ठीक है? उसके बाद यहाँ से दिल्ली से निकलेंगे हम लोग, जहाँ तक भी पहुँचेंगे वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट अभी जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे अपने हिमाचल, उसके बाद जितनी भी लास्ट चक्कर होगा मे बी है, इसके बाद अब नेक्स्ट ईयर ही चलेंगे लोग भी। लोडिंग से पहले जो है वो गाड़ी का वेट होगा, तो यहाँ से होगा हमारी गाड़ी के लिए माल लोड, ठीक है? ये लेके जाएंगे, इनमें से कुछ सामान लेके जाएंगे हम लोग। कुछ एक हिमाचल की गाड़ियाँ लोड हो रही है और कुछ एक लोड होके निकल चुकी है। अब हमारी गाड़ी भी लगी देखो यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे लोडिंग हो रही है जी। बोलते हैं कि ले प्रोजेक्ट के लिए लेके जा रहे हैं, अब कौन से प्रोजेक्ट के लिए लेके जा रहे हैं वो अब भाई बताएंगे थोड़ी देर बाद। देखो पूरा काट दिया भाई ने, तभी बोलते भाई ट्रैक्टर। देखो इतने से छोटे एरिया में घूम गए पूरे का पूरा, गया टायर गया, यहाँ से निकल रहा है अंदर से और यहाँ पे ये लोग लोड कर रहे हैं जी। HP 65A 8947, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। फाइनली गाइज, बहुत टाइम का वेट करने के बाद अब हमारी गाड़ी का नंबर आ गया जी। देखो इस तरह से होती है यहाँ पे भी लोडिंग, जिस तरह से बॉम्बे से हुई थी ना लोडिंग, सेम वही है प्रोसेसर। और ये हो रही है लोड, देखो टाइम इस पे ज़्यादा नहीं लगता है यार, जल्दी लोड हो जाती है। और एक गाड़ी यहाँ पे देखो, और वहाँ पे कांटा हो रहा है, वहाँ पे कांटा हो गया, आएगी फिर यहाँ पे लोड होगी, फिर दोबारा से जाके जाते टाइम कांटा होगा वहीं पे, और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। गाइस, गाड़ी लोड करने के बाद लास्ट काम हमारा होता है कांटा करवाना, मतलब वेट करवाना। तो लास्ट अभी हमारी गाड़ी का वेट हो रहा है, इसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे जी। टाइम अगर आप लोगों को बताऊँ तो अभी 7:45 हो रहे हैं, अभी इसके बाद बिल बनेंगे और फिर उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। चलो भैया हमें निकलें तो लो। अभी हो रही है गाइस हमारी आउटिंग, गेट से आउटिंग हो रही है, तो देखो यहाँ पे ये लोग बिल वगैरह चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर सब ठीक है नहीं है, और इसके बाद ही हम लोगों को छोड़ देंगे जी। हाँ भाई पढ़ लिए, ठीक है। फाइनली अब हम लोग गाड़ी का बिल लेके, गाड़ी लोड करवा के फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जी लेह के लिए। गाइस सफर अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ से है भाई 1000+, क्योंकि अभी हम लोग दिल्ली में, दिल्ली से 500 किलोमीटर अपना कुल्लू पड़ जाता है और कुल्लू से 500 किलोमीटर ही लेह है, तो ये 1000+ किलोमीटर, 1000+ किलोमीटर का सफर बनता है। और इसमें जो हमें लगेंगे वो लगेंगे एक हफ्ते का टाइम। दिल्ली में नहीं करता है रोड एंटर। अच्छा, हरियाणा और यूपी में ही रहता बार बार। गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं जी KMP एक्सप्रेस वे पे, और इसकी वजह से ना गाइस हम लोगों को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, मतलब अगर हम अंदर से जाते तो हमारा 100 किलोमीटर बच जाता, बट बाहर से हमें इतना ज्यादा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है।
अब कुछ एक लोग पूछते हैं ना कि भाई आप ट्रक वाले जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा सफर क्यों पड़ता है, तो हम लोग मेन सिटी से ना जाके हम लोग बाईपास से होके जाते हैं, तो उस वजह से हम लोगों को एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। और हम लोग इस हाईवे से चल के जो है, जैसे नोएडा से चल रहे हम लोग, तो हम लोग निकलेंगे जी राई में। गाइस पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था 6 लेन हाईवे, और अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 5, 10 10 लेन हाईवे भाई। अबे ये है दिल्ली, इसमें देखो कितना लोड है ट्रॉले में। गाइस ये आ गया मेरा आज का डिनर, शाही पनीर प्लस रोटी। भाई तो हमेशा आज भी सेव भाजी है ना भाई, डेली की सेव भाजी खाते हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना यार आज चेंज करते हैं, मिक्स वेज से हटके आज शाही पनीर पे आ जाते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं जी मुरथल, और यहाँ पे रुके हैं ढाबे पे। मैं पहले तो नहा लिया क्योंकि दिन को नहीं नहाया था, अभी पहले नहा लिया, अब डिनर करते हैं जैसे आराम से। गाइस डिनर करने के बाद अब हम लोग चल पड़े हैं जी चंडीगढ़ की तरफ। यहाँ से चंडीगढ़, मुरथल से चंडीगढ़ 200 किलोमीटर का सफ़र है। टाइम अगर आप लोगों को बताऊँ तो भाई 12:30 हो रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं रात के। और कितना का टाइम लग जाना भाई चंडीगढ़ पहुँचने का? सुबह हो जाने मतलब 5-6 बजे के टाइम पहुँच जाएंगे हम, 5-6 बजे तक को जो हम चंडीगढ़ में पहुँच जाएंगे जी। गाइस इस ट्रिप का पहला फ्यूल अप हम कर रहे हैं जी मुरथल में ही, सोनीपत में हम लोग पहला फ्यूल अप कर रहे हैं, और ये हो गया जी हमारा फ्यूल अप। गाइस ये अपने वाली गाड़ी और ये दूसरे वाली गाड़ी, बंटी भाई वाली गाड़ी। जय शंकर महाराज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं जी किरतपुर। मैं सो गया था सोनीपत नहीं पानीपत, कुरुक्षेत्र से आगे जो मैं सो गया था, और अभी उठा हूँ मॉर्निंग में, और भाई चले हैं। टाइम अगर आप लोगों को बताऊँ तो 6:30 हो गए हैं, और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे जी अभी किरतपुर साहिब, और फिर उसके बाद भाई करेंगे रेस्ट और मैं निकल जाऊँगा आगे। गाइस फाइनली पहुंचने वाले हम लोग जी अभी किरतपुर में, 9 किलोमीटर का सफ़र बता रहे हैं किरतपुर का। तो यहाँ पे ना हम लोग फर्स्ट डे का व्लॉग अपना एंड कर देते हैं, ये हमारा लेह लद्दाख टूर का फर्स्ट डे है। यहाँ पे ना गाइस ये वाला व्लॉग एंड कर देते हैं क्योंकि मेरे को घर जाना है, और भाई यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आएंगे भाई। तो अभी मैं लूँगा यहाँ से बस, और बस मैं चला जाऊँगा घर। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट डे का व्लॉग यहाँ पे एंड कर देते हैं। आप लोगों को फर्स्ट डे का व्लॉग वो कमेंट में बताओ। अब यहाँ से जहाँ पे हम लोग रुकेंगे वहाँ से सेकेंड व्लॉग स्टार्ट करना है, तो मैं सोचा क्यों ना इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। और इस बार के टूर के लिए कितना एक्साइटेड हो आप लोग? ठीक है, इस बार का टूर जो है वो बहुत बड़ा है, अब वो सारी बातें आप लोगों को सेकंड व्लॉग में बताएंगे। ठीक है, तब तक करो आप लोग सेकंड व्लॉग का वेट, तभी के लिए इस व्लॉग को कर दो लाइक, कर दो शेयर, कर दो कमेंट, कर दो। और कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इस बार ले लद्दाख टूर के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है भाई, किरतनगर होने वाला है, तो बहुत बड़ा है, वो मुझे कमेंट में बता दो। ठीक है गाइस, अभी के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद जय भारत, शुभ प्रभात गाइस, बाय बाय।